पिता ही ने इस बात को दोनों कहा और दोनों अपनी दावत देता हूँ आमीन, जिसका हम तहे दिल से मशकूर आमीन हैं। सबसे पहले हम डीसी साहब का तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जब से हमारी डिस्ट्रिक्ट का संभाली है तब से मेरी ब्लॉक बोंजवा की तरफ उन्होंने खास तवज्जो दी है। बहुत सारे मेरे काम ऐसे थे जो रुके पड़े हुए थे, जब से डीसी साहब यहाँ पे आए हैं उन्होंने उस पर नज़रसानी की और उनमें रफ्तार की और आज हमें कुछ हद तक कुछ बेहतरी देखने को मिल रही है। वीडियो साहब बैठेंगे हर थर्सडे को, गुरुवार को आपके पीएमएवाई की लिस्ट अभी भी खुली हुई है, जिसका नाम रह गया है भाई दे दो। एचएडीपी एग्रीकल्चर स्कीम में बड़े सारे फार्मर हैं जिनको फायदा होना चाहिए, आप लोगों को पता ही नहीं है। तहसील ऑफिस में भी हम पब्लिसिटी कर देंगे, पंचायत में भी कर देंगे, फायदा उठा लो। राशन कार्ड अपडेशन का कैंप लगेगा, उस कैंप में सारे आठों लोग जो सिग्नेचर करते हैं वो गांव में एक साथ जाएंगे, उस टाइम पे आ जाइएगा। सर्दियों का मौसम आ रहा है, स्कूल जाने खत्म होने वाले हैं। गुज्जर बिरादरी के जितने भी लोग हैं हमने फिर से सर्वे करवाया है उन पंचायतों का, उन ढोकों का, उन गांव का जहां पे बच्चे अभी भी 6 से 12 साल के स्कूल नहीं जाते। आप लोग थक जाओगे, हम लोग नहीं थकेंगे, हम उन स्कूल को उनको स्कूल में डलवा के रहेंगे। तो इसीलिए अपनी जिद छोड़ दो, क्योंकि हम ज्यादा जिद्दी हैं। बच्चों को स्कूल में डालना है, तालीम देनी है, उससे बिना गुजारा नहीं होगा। अपने इलाके को आगे बढ़ाओ, कितने आईएएस अफसर कितने केएस अफसर वहां से निकलते हैं, आपके एरिया से तो नहीं निकलते। अच्छे काम करेंगे तो हम लोग आपके साथ रहेंगे, और आगे भी अगर कोई मसला मसाइल छूट गया है तो आप लोग अपने इंडिविजुअल मेमोरेंडम दे दीजिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि अगली विजिट हम एंड तक किथर तक जाएंगे, एक फुट मार्च करेंगे। तो उम्मीद है कि बर्फ ना गिरे, बर्फ गिर भी गई तो भी बूट्स वगैरह है, आप लोग तैयार रहिए, हम लोग भी तैयार हैं और आगे तक जाएंगे। और आज बुलाने के लिए शुक्रिया, और लाइब्रेरी के लिए आप सबको मुबारक, इसका इस्तेमाल अच्छे से कीजिए। जय हिंद।